Let's continue discussion part of our SHM. HCV के आज जो मैं डाउट सॉल्व करने जा रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 26, आई थिंक दिस इज मिसिंग, एंड 31st प्रॉब्लम, यह पब्लिक डिमांड है, मैं एक और बार इसको डिस्कस कराऊं, अवश्य डिस्कस करा देता हूं, एंड देन लास्ट चेंज जहां से मैंने छोड़ा था 48, 49th, 51st, 54, 55 एंड 58, 26th, 31st, आई थिंक सारे डाउट्स मैंने लिख दिए जो रेस करे गए थे, 48th, 49th, 51st, 54, 55 एंड 58. चलिए सबसे पहले अब हम 26 से डिस्कस कर देते हैं. देखिए इस तरह से फिगर दिया हुआ है, एक रिजिड सपोर्ट और यह एक प्लैंक, रेक्टेंगुलर शीट और इस तरीके से यह दो वायर के द्वारा टाइड है. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी एंड दिस इज लेंथ एल एंड इट हैव गॉट सम मास ऑफ एम. रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइड ए एंड बी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग बाय टू पैरेलल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. द सेपरेशन बिटवीन द स्ट्रिंग इज डी. द प्लेट इज डिस्प्लेस स्लाइटली इन इट्स प्लेन कीपिंग द स्ट्रिंग टाइट सो दैट इट विल एग्जीक्यूट SHM. फाइंड इट्स टाइम पीरियड. ऑल्दो इस प्रॉब्लम को देखते से ही मैं आंसर बोल देता हूं कि शेप साइज ऑफ प्लेट पर कोई डिपेंड ही नहीं करेगा, टाइम पीरियड आएगा 2π√L/g. हम कैसे इसको करते हैं जरा मैं दिखाता हूं. मैं इसकी पहले स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कंडीशन को ड्रॉ करता हूं इस तरह से. दिस इज द स्लाइट डिस्प्लेस्ड कंडीशन. यह हमने हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया और हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद यह कंडीशन बन गई. दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और जो सेंटर ऑफ मास पहले कहीं इधर था mg सेंटर ऑफ मास पर था, वही अब नया सेंटर ऑफ मास इस जगह पर आ गया और mg इधर एक्ट करने लगा. नाउ विल से mg कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट. mg कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट लाइक दिस, mg cos theta एंड mg sin theta. एंड आई विल से टेंशन इन द टू थ्रेड्स, दिस आर द टेंशन, 2t would be equal to mg cos theta. Tension is equal to mg by 2 into cos theta. And restoring force is mg sin theta. For small theta, sin theta is nearly equal to theta, hence restoring force is mg theta or restoring acceleration is g theta. यहां तक तो हमने प्लेट का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट और सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट से हमने रेस्टोरिंग फोर्स mg उसको रिजोल्व करके रेस्टोरिंग फोर्स देख लिया और ये लिख दिया. This is restoring acceleration. अब मैं कहता हूं this is the displacement in the plate roughly.
यह प्लेट का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, मैं थीटा को जो प्लेट का डिस्प्लेसमेंट है वही स्ट्रिंग में यह दो एंड इनका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब मैं थीटा की जो वैल्यू है उसे लिखने के लिए प्लेट पर ध्यान देने के बजाय स्ट्रिंग पर ध्यान देता हूं। मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि यह जो स्ट्रिंग है यह इस तरह से डिसलोकेट हो गई है, इसे मैं एक्स कह रहा हूं, यह एल है और यह थीटा। फॉर स्मॉल थीटा आई कैन ऑलवेज राइट थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एल, सो रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एल और एक्सीलरेशन इज माइनस जी बाय एल इंटू एक्स, एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर इज जी बाय एल, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, फ्रीक्वेंसी इज 1/2π अंडर रूट ऑफ जी बाय एल एंड टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। माय कंक्लूजन इज इट्स द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज और ज्योमेट्री ऑफ दिस प्लेट। इस स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड करा, फॉर स्मॉल एंगल थीटा इट्स SHM, फॉर स्मॉल एंगल थीटा इट्स SHM, मैं लिखता हूं हेंस इट्स SHM, हेंस इट्स SHM फॉर स्मॉल थीटा। स्मॉल थीटा के लिए यह SHM होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज अंडर रूट जी बाय एल, फ्रीक्वेंसी इज 1/2π अंडर रूट जी बाय एल एंड टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट एल बाय जी। ऑब्जर्व द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मैं 31st प्रॉब्लम डिस्कस कराता हूं, आई थिंक आप सभी एक और बार इसका डिस्कशन चाहते हैं, जरूर कराऊंगा इसी समय, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ लेट अस सी वंस अगेन सी 31st प्रॉब्लम। मैं इसे एक और बार समझा रहा हूं। प्रॉब्लम रोटेशनल का दिखता जरूर है मगर है रोटेशनल का नहीं। द प्रॉब्लम इज इन फैक्ट ओवर द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह का फिगर बना रखा है, now what the problem statement says is a uniform plate of mass m stays horizontally and symmetrically on two wheel rotating in opposite direction. These are the two wheels rotating in opposite direction. The separation between the wheel is l, the friction coefficient between each wheel and the plate is mu. The friction coefficient between each wheel and plate is mu. Find time period of oscillation of the plate if slightly displaced along its length and released. Now, we need to understand when we slightly displace it, कैसे SHM होएगा, होएगा या नहीं होएगा, कौन सी फोर्स वहां पर रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले हम मीन पोजीशन वाली बात समझ लें। मीन पोजीशन पर हम कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स mg बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक बीच में इस तरह से लगेगा, और सिंस दिस प्लेट इज लाइंग हॉरिजॉन्टली एंड सिमेट्रिकली, इधर और इधर रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिल्कुल इक्वल होएगा mg/2। अब
वहां पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से जब यह व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इस प्लैंक को ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन और म्यू इंटू एम जी बाय टू। और इधर जब यह ऐसे घूम रहा है तो यह व्हील प्लैंक को इधर ले जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एफ आर इक्वल टू म्यू एन और दिस इक्वल टू म्यू एम जी बाय टू, और इस तरह से वहां पर यह मीन पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम, हेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन, यह इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। अब मैं इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं, अब स्लाइटली जब मैं डिस्प्लेस करूंगा तो व्हील यहीं के यहीं है, व्हील यहीं के यहीं है, व्हील की लोकेशन में कोई फर्क नहीं है, और मैं इसे इस तरह से डिस्प्लेस करा हुआ दिखाता हूं, इस तरीके से मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया, और जो सेंटर ऑफ मास पहले यहां था वह अब एक्स से डिस्प्लेस हो गया, और अब एम जी इधर, देखिए यह एक्स से डिस्प्लेस हुआ सेंटर ऑफ मास, ये एज लेंथ भी एक्स से डिस्प्लेस हुई और यह पॉइंट भी एक्स से डिस्प्लेस हुआ, इस तरह से एक्स से डिस्प्लेस्ड। और अब क्या होगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन एन वन और इधर नॉर्मल रिएक्शन एन टू, I can always write equation n1 plus n2 is equal to mg, और दूसरी equation torque about this देखेंगे, तो n2 into l, n2 into l is equal to mg into l by 2 minus x, और n1 into l is equal to mg into l by 2 plus x, upon solving you can always get n1 is equal to mg by l into l by 2 plus x, n1 ज्यादा हो जाएगा और n2 जो हो जाएगा दैट वुड बी mg by l into l by 2 minus x। अब मैं fr1 और fr2 लिखता हूं, fr1, fr1 is mu n1 that is mu mg by l into l by 2 plus x, and FR2 equal to mu N2 mu mg by L into L by 2 minus x। और ये FR1 का डायरेक्शन क्या है जरा देखें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FR1, मतलब FR1 बढ़ गया और FR2 कम हो गया। ऑब्जर्व दैट FR1 इज ग्रेटर देन FR2, तो जब FR1 FR2 से ज्यादा हो गया, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, तो इधर कोई रेस्टोरिंग फोर्स तो है ही नहीं, इनफैक्ट ये फ्रिक्शनल फोर्स की है तो प्लैंक इधर चला जाएगा, हेंस नो रेस्टोरिंग फोर्स, हेंस
नो रेस्टोरिंग फोर्स एंड नो SHM. इस केस में कोई रेस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, और जब कोई रेस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो कोई SHM भी नहीं होएगा. इन फैक्ट दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इधर मैं पॉइंट डालता हूं, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम है जरूर, मगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहा हूं, हल्का से यदि हमने इस तरफ डिस्प्लेस करा तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स बढ़ जाएगा, और उसी डायरेक्शन में फोर्स के बढ़ जाने से प्लैंक उसी डायरेक्शन में फेंका जाएगा. ये तो बिल्कुल ऐसा इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई जैसे मैंने बताई थी कि एक बॉल उल्टा, एक उल्टा बॉल रखा हुआ है और उसके ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है. इस तरह का इक्विलिब्रियम है, यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो इस केस में SHM होएगा ही नहीं, हल्का सा प्लैंक यदि इस तरफ डिस्प्लेस हुआ तो इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, और इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया तो ये इसी डायरेक्शन में फेंका गया. यदि यहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, SHM होना ही नहीं है, तो कोई टाइम पीरियड का सवाल ही नहीं. तो क्या प्रॉब्लम गलत है? हां, प्रॉब्लम में एक छोटी सी गलती है जिसे हम अभी के अभी सुधार देते. क्या कहें, हमने ये जो व्हील है इनके घूमने के डायरेक्शन को यदि उलट दें तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाता है, तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता है और SHM दिखने लगता है. जैसे यदि मैं इस बाउल को उलट दूं और इसमें पार्टिकल को रख दूं तो यह एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता है. बिल्कुल इसी तरह से मैं अब दोबारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा. अब पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाऊंगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाकर, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या करूंगा, सिर्फ व्हील के डायरेक्शन को उलट के दिखाऊंगा. और काफी कुछ कैलकुलेशन ऑलरेडी करा हुआ है, वह कैलकुलेशन मेरे पूरा काम आएगा. मैं फिर वापस यह व्हील ड्रॉ कर रहा हूं, इस बार इनके घूमने की डायरेक्शन को इस तरह से कर देता हूं, इनके रोटेशन की डायरेक्शन को इस तरह से, व्हील के रोटेशन की डायरेक्शन उलट दी. और अब इस बार वंस अगेन मैं इसके ऊपर इस तरह से प्लैंक रख देता हूं, मासम का. वंस अगेन वही फोर्सेस इंडिकेट करूंगा, mg इधर भी है, नॉर्मल रिएक्शन n इधर भी है. दिस इज n इक्वल टू mg बाय 2, हियर ऑल्सो n इक्वल टू mg बाय 2. फर्क किस जगह पर आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स में, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आएगा. अब यह जब व्हील इस तरह से घूम रही है तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, यह फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और यह फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एन और म्यू mg बाय 2. और वंस अगेन इक्विलिब्रियम, दिस इक्विलिब्रियम, हेंस इक्विलिब्रियम एंड मीन पोजीशन, यही इक्विलिब्रियम है और मीन पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है. कैसे है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी दिखेगा. स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे क्योंकि अभी SHM करेगा. देखिए, अब वंस अगेन मैं डिस्प्लेस कंडीशन दिखाऊंगा. पहले यह व्हील जो ऑरिजिनली इधर था, और व्हील की पोजीशन में तो कोई फर्क नहीं आएगा, ऑफ कोर्स व्हील तो यहीं का ही है, इधर भी व्हील यहीं का ही, व्हील की पोजीशन में कोई फर्क नहीं, व्हील के रोटेशन की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं.
हम प्लैंक को डिस्प्लेस्ड दिखाएंगे। प्लैंक को डिस्प्लेस्ड दिखाएंगे कैसे, जो प्लैंक इधर है यह प्लैंक की लोकेशन है, मैं प्लैंक को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड दिखाता हूं, यह प्लैंक स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आ गया। अब देखिए यह mg हो गया और यह x से डिस्प्लेस, यह एंड भी x से डिस्प्लेस्ड और यह एंड भी x से डिस्प्लेस्ड। अब क्या हुआ, इधर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा n1, इधर नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा n2, यह नॉर्मल रिएक्शन n1 और यह नॉर्मल रिएक्शन n2। खास बात n1 और n2 की वैल्यू सॉल्व करने पर वही आना है, कोई फर्क नहीं आना है, n1 ज्यादा होएगा सिर्फ और n2 कम होएगा। n1 और n2 की यही वैल्यू आना है, इस कैलकुलेशन में अभी भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना, अभी भी कोई फर्क नहीं आएगा। FR1 और FR2 की डायरेक्शन बदलेगी, इधर FR1 की डायरेक्शन यह होगी, FR1 और FR2 पर मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, FR1 और FR2 का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, N1 और N2 जो पहले सॉल्व करके आया वही, तो FR1 और FR2 का मैग्नीट्यूड उतना ही, पर इधर जो डायरेक्शन थी उससे उल्टी रही। अब इस केस में आप ऑब्जर्व कीजिए FR1 इज वंस अगेन ग्रेटर देन FR2, ये अभी भी रहा, और FR1 माइनस FR2 यह फोर्स है अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, FR1 माइनस FR2, दिस फोर्स हम इसे रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे सिंस अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, सिंस अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, और यह रेस्टोरिंग फोर्स अब जो कहलाएगा, यह रेस्टोरिंग फोर्स विच इज FR1 माइनस FR2, FR1 की डायरेक्शन यह, FR2 की डायरेक्शन यह, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, क्योंकि FR1 ज्यादा है, ये बात मैं लिख देता हूं, FR1 इज ग्रेटर देन FR2, तो रेस्टोरिंग फोर्स हुआ FR1 माइनस FR2, FR1 माइनस FR2 जब मैं करूंगा तो म्यू mg बाय l तो बाहर ऐसा कैसे दिखेगा, म्यू mg बाय l ऐसा कैसे दिखेगा, दिस माइनस दिस जब करूंगा तो l बाय टू कैंसिल, 2x इंटू 2x। तो अब देखिए रेस्टोरिंग फोर्स दिखने लगा 2 म्यू mg बाय l इंटू x, रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन दिखने लगा 2 म्यू g बाय l इंटू x, एंड हेंस SHM, हेंस इट्स SHM, इसलिए यह SHM परफॉर्म करने लगेगा। क्योंकि एक्सीलरेशन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और यह एक्सीलरेशन के साथ में यह जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको मैं ओमेगा स्क्वायर कह दूंगा, ओमेगा स्क्वायर इज 2 म्यू जी बाय एल, हेंस ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी बाय एल, हेंस फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय 2 पाई अंडर रूट 2 म्यू जी बाय एल, एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय 2 म्यू जी।
Hence, this is the answer to the problem. खास बात इसको समझना कि इस डायरेक्शन को लेने पर यह एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. व्हील को इस डायरेक्शन में घूमता हो देखेंगे तो एक इस तरह का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और व्हील के घूमने की डायरेक्शन उलट दे तो यह इस तरह का एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है. और उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होने पर SHM होएगा, और उस SHM के लिए मैंने फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स निकाला, रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन निकाला और उसे टाइम पीरियड निकाला. खास बात यह प्रॉब्लम रोटेशनल का दिख जरूर रहा था क्योंकि कोई व्हील हमें रोटेट करती हुई दिख रही थी, मगर यह प्रॉब्लम रोटेशनल पर था नहीं. दिस प्रॉब्लम वॉज बेसिकली ओवर द कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्शन. देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेस, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेस. वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. हमें हाँ इस जगह पर जरूर हमें रोटेशनल का वह जो टॉर्क कंसेप्ट है वह लगाना पड़ा, और N1 N2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगाना पड़ा. बट यू आर वेल फेमिलियर विद एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. यदि आपने रोटेशनल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो ये सब आपको सॉल्व करना, कैलकुलेट करना अच्छी तरह से आता है. रोटेशनल नहीं पढ़ा हुआ है तो जरूर पढ़ो, तभी आप ये चीज समझ पाओगे. That's all regarding the solution of 31st problem. अब हम 48th problem solve करेंगे. Please इसे note down कर लीजिए.